इसके गान में कोई चीज बढ़ गई है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हक खतीब हुसैन बादशाह अली सरकार की पांच जूठी करामते बताएंगे। और ये शैम्पू की बोतल वाला मुंह खुद को अपने ही मुंह से अल्लाह का वली कहता है। और अक्सर उलमा कहते हैं जो बंदा खुद को अल्लाह का वली कहता है वो अल्लाह का वली नहीं होता, वो दरअसल झूठ बोल रहा होता है। ये शब्दबाज कभी किसी की आंखों से कील निकाल रहा होता है तो कभी किसी के बाजों से तारे निकाल रहा होता है। मुहक्किकीन लिखते हैं जो बंदा पानी पर चले, हवा में उड़े या फिर आग में उतर जाए तो इस बंदे को अल्लाह का वली मत समझना, क्योंकि वो शैतान है, वो जादू और जिन्नात की मदद से शोबदेबाजियां दिखाता है। दोस्तों, पहली बात तो यह है, शैम्पू अगर किसी बंदे को बड़े मजमे में एक फूंक से ठीक कर देता है तो वो लोग इन्हीं के बंदे होते हैं जिनको 10 से 15 हजार रुपए देकर एक्टिंग करने का बोलता है। दूसरी बात यह, अगर ये ढक्कन किसी बंदे को अचानक ठीक कर देता है तो वो जिन्नात और जादू की मदद से करता है और इसको करामत नहीं बल्कि शोबदेबाजी कहते हैं। अब आपको दिखाएंगे इसकी पांच शोबदेबाजियां या फिर ड्रामेबाजी समझ लें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर वन, ये मौलवी साहब अपनी बेटी को इस ढक्कन के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी का पेशाब 3 साल से बंद था, डॉक्टर भी परेशान थे, लेकिन आपके एक शुफ की वजह से मेरी बेटी का पेशाब खुल गया। क्या मसला है? इसको ना छोटा पेशाब आता था ना बड़ा पेशाब आता था। अच्छा, और हमने कई पीरों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने इसके हर टेस्ट किया, चेकअप किया, कई कभी चिल्ड्रन अस्पताल में भेजा। अच्छा, और उन्होंने कहा कि इसके अंदर ना छोटा पेशाब है ना बड़ा पेशाब है। कितने टाइम से नहीं आ रहा था? 3 साल 3 माह से नहीं आ रहा था। 3 साल और 3 माह से? हाँ जी, 3 साल बाबा जी, 3 साल 3 माह से नहीं आ रहा था पेशाब, 3 साल से। हाँ जी, और डॉक्टर ये कहते थे मौलवी तुम झूठ बोलते हो, ये ऐसे हो नहीं सकता। जब उसने टेस्ट किया, इसका पेशाब टेस्ट किया, कहते इसके ना छोटा पेशाब है और ना बड़ा पेशाब है। तो आप फिर आप जुमे वाले दिन आए थे और हफ्ते को घर पहुंचे थे, तो इतवार को इसने छोटा भी पेशाब कर लिया, बड़ा भी कर लिया। सुभान अल्लाह, भूख लगी तो फिर दूसरे दिन ये ठीक हो गई? ठीक हो। कितने अरसे बाद इसे वॉशरूम गई? 3 साल 3 माह से, और ये जाते नहीं दिखते मुझे आया। अच्छा नाजरीन, इस लड़की का जब 3 साल से पेशाब बंद था तो यकीनन ये 3 साल के अंदर कुछ खा पी तो रही होगी, क्योंकि 3 साल तो क्या एक महीना भी इंसान कुछ खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब ये लड़की खाती पीती थी तो यकीनन इसे पेशाब की हाजत भी पेश आती होगी। दोस्तों, अगर किसी इंसान का मुकम्मल तौर पर पेशाब बंद हो जाए तो हमारे ख्याल में वो इंसान 4 या 5 दिन ही जिंदा रह सकता है, क्योंकि इंसान का मसाना फट जाता है। नंबर टू, सबसे मजाकिया और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। नाजरीन, अब इस ग्लूकोज के ढक्कन का कहना है कि मैं 18 साल से सोया ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिन रात इंसानों की खिदमत करता रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो कोई बंदा मेरे पास आए तो खाली हाथ और बीमारी की हालत में वापस ना लौटे। लोग कहते हैं कि जो अली बादशाह सरकार है, हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार, वो सोते नहीं है, ये इस बात में कितनी हकीकत है और कितना झूठ है? आप देख सकते हैं कि रात शाम हो गई, अभी रात का वक्त है, पूरी रात यहाँ मौजूद होऊंगा। इसके बाद अगला दिन जुमेरात का है, वो दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ चला जाऊंगा, लेकिन 18 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब सोया नहीं हूँ। इसलिए नहीं सोया हूँ कि अगर दुनिया की कोई नौकरी करता है तो उसे दुनियादार मालिक से इतना खौफ होता है कि वो अगर 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़े रहते हैं तो मैं तो अपने रब की ड्यूटी करता हूँ, मैं उसके खौफ से इसलिए नहीं सोता हूँ कि कहीं उसका बंदा कोई मेरे दरवाजे पर आए तो खाली ना चला जाए। ओ माशा। नाज़रीन, इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार नहीं है। क्या हक खतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा इंसानों का दर्द अपने दिल में रखते हैं? ना भाई ना, ये सब झूठ बोलता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस दुनिया में आज तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं आया हो जो इंसानों के लिए दिल में दर्द रखता हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद भी पढ़ते थे, अपनी अज़वाज मुतहरात के हकूक भी अदा किया करते थे, और अल्लाह जाने अशरफ वाली सरकार किसकी पैरवी करता है।
पाकिस्तान के एक बड़े आलिम दीन ने अशरफ अली सरकार से कहा कि आपको जेल में बंद किया जाए और आपकी मुकम्मल तौर पर निगरानी की जाए और आप हमें 10 से 15 दिन जाकर बता दें तो हम आपके हाथ पर बेयत कर लेंगे। नंबर 3, इस वीडियो में ये लड़का मुकम्मल तौर पर नाबीना है और अशरफ अली सरकार एक सेकंड में यानी पलक झपकते ही इसकी नजर ठीक कर देते हैं। बिल्कुल ठीक रहा है, इनको पहचानते हो बेटा? कैसी टोपी लगी हुई है? मैंने कैसी लगी हुई है? बाद में कह दूँ कि करामत के बगैर बली को नहीं माना। अब इसकी जो नज़र थी ना वो खत्म हो गई, बस अब इसको ले जाकर दुनिया किसी डॉक्टर के पास नहीं पूछ पूछ रहा था मैं कि पहले ऐसी नाजरीन, इतना तो आप खुद भी समझदार हैं कि एक इंसान की नज़र मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, वो पैसे खर्च करके डॉक्टरों के पास जाकर उनके धक्के खाकर मायूस होकर घर बैठ जाता है और एक दिन अचानक से 1 रुपया भी लगाए बगैर उसकी नज़र ठीक हो जाए तो उसकी खुशी का क्या आलम होगा। लेकिन ये लड़का नजर ठीक होने के बाद खुश होने के बजाय ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो खुश होकर नहीं बोलता, अंदर से परेशान ही होता है। नंबर 4, इस वीडियो में लड़के के अंदर जिन हाजिर हो जाता है और जिन हाजिर होते ही हक खतीब के सामने डर जाता है और माफी मांगने लग जाता है और शुफ वाली सरकार जबरदस्ती कान पकड़कर कलमा पढ़ाते हैं और इसके बाद एक ही शुफ से जिन निकाल देता है। क्यों तंग कर रही हो इसको? बोलो, छोड़ोगी? क्यों इसे पकड़ा हुआ बच्चे को? कई सालों से पकड़ा हुआ इसको। तंग करो, कर रही हो इसको? हाँ, कई सालों से। कई सालों से? तौबा करो, कानू को हाथ लगाओ, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु वाली सरकार साहब, जब किसी इंसान में जिन हाजिर होता है तो वो इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकता जितनी जल्दी आपने उसका जिन निकाल दिया। और इस्लाम में आप किसी को भी जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ा सकते, आप सिर्फ बोल सकते हैं कि कलमा पढ़ोगे। और अगर जिन किसी इंसान के जिस्म से जुदा हो जाए तो उसके बाद इंसान कुछ टाइम तक बेहोश रहता है। आपकी एक्टिंग सिर्फ पैसे वाले मुरीदों को ही अच्छी लगेगी। नंबर 5, नाजरीन, यह हक खतीब सरकार की कमाल की शोबदेबाजी है जिसे देखकर आपको हंसी आ जाएगी। शुफ वाली सरकार एक सेकंड के अंदर ही इस लड़के की फालिज जैसी बड़ी बीमारी खत्म कर देते हैं और इसके बाद एक सेकंड में दोबारा इसको फालिज में मुब्तला कर देते हैं और फिर इसके बाद दोबारा इसको ठीक कर देता है। नहीं अता फरमाता कि जो अल्लाह के वली को समझ सके, बात फूकू की नहीं है, बात नगाह की है। अब ये बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है ना? बिल्कुल ठीक है। साइंस इसको चीज को, डॉक्टर इस चीज को एडमिट करते हैं कि इसकी ब्रेन बंद है। मैं कहता हूं इसकी ब्रेन नहीं बंद, ये जिस तरीके से मेरे पास आया था ना वो ये तरीका था। अब चलो बेटा, ये देखिए फालज है, ये इसको साइंस कहते हैं। इसके अंदर आगे बोले ये हालत में ये साइंस थी, ये पुरानी हालत में ये कहते हैं ब्रेन का अटैक है। आगे चलाए, अब ये नहीं चल सकता ना, ये साइंस की बात है, ये साइंस की बात है। ये चले चले चले, ये ऐसी हालत में था। अब मैं कैसे साइंस का मानूं? मैं किसी डॉक्टर या मालिक या किसी बदबख्त मौलवी की बात को कैसे मैं मानूं? अब ये बिल्कुल ऐसे ही था। अब गौर तरफ सुनना, ये मेरे रिश्तेदार, ये इसकी कोई करामते नहीं है बल्कि ये इसकी शोबदेबाजियां हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम आवाम को बुद्धू बना रहा है, क्योंकि करामत देखने से पहले अल्लाह के वली को देखा जाता है कि इस इंसान में अल्लाह के वली की कोई निशानी मौजूद है या नहीं। जब इसके अंदर अल्लाह के वली वाली कोई बात ही ना हो तो वो अल्लाह का वली नहीं बल्कि शोबदेबाज होता है, जिससे हमें जरूर बचना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको इस ढक्कन में वली की कोई निशानी या फिर सुन्नत रसूल नजर आ रही है? यकीनन आपका जवाब ना में होगा। अगर आपको नजर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।